श्रीमान जी आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद अरशद एडवोकेट है, कांग्रेस। जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश यूपी सीसी का कार्यकर्ता, 283 विधानसभा क्षेत्र नानपाड़ा। जी, जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से मैं कहना चाहूँगा कि ये मौजूदा जो सरकार है जी, ये पूर्णतया जन विरोधी है जी, और सभी मुद्दों पे पूर्णतया ये फेल, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे किसान का मैटर हो, चाहे वो नौजवान का मैटर हो, आज बेरोजगारी चरम पे, करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो गए सरकार की गलत नीतियों के कारण। जी जी। आज महंगाई का ये हाल है कि 200 रुपए लीटर कड़वा तेल बिक रहा है, सरकार के कान पे चू नहीं रहोगे। जी जी जी। यही सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब अगर 10 रुपए सिलेंडर पे बढ़ जाता था कांग्रेस के जमाने में तो ये सड़कों पे चक्का जाम करते थे। आज रोज पे रोज गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, खास करके जो पेट्रोल है, डीजल है, जो किसानों के से सीधा जुड़ा है, उस पे कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ अपने दोस्तों और उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए आज सरकार कान बहरी किए बैठी है और किसान त्राई त्राई कर रहा है। दूसरी चीज मुद्दा, आज राम मंदिर निर्माण में समाचार पत्रों के माध्यम से पता हुआ है कि उस मंदिर निर्माण में खरीद जमीन के खरीद फरोख में घपला घोटाला किया जा रहा है, जो बड़ी शर्म की बात है। जिस महान रामचंद्र जी के नाम पे ये सत्ता में आए, ये उनको बख्शने की तैयार है। और मेरा कहना है आम जनता से कि आपने 7 साल में मोदी जी ने बनाया क्या, 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया वो मोदी जी एक एक करके वो क्रम अपने साथियों को बेच रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो अन्य संपत्ति। दूसरी चीज मैं सरकार से मांग करता हूँ, खास करके कि आने वाला चुनाव है और ये मैं पार्टी नेतृत्व से मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मैं माननीय प्रियंका गांधी जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपने मैनिफेस्टो में डाले कि तहसील स्तर के अधिवक्ताओं को, जो जूनियर्स अधिवक्ता हैं, उनका स्टाइपेंड, उनको वजीफा दिया जाए प्रैक्टिस उनके ट्रेनिंग के दौरान देने का अपने घोषणा पत्र में सबमिट करें। और दूसरे के वकीलों को पेंशन मुहैया कराने जाने के संदर्भ में भी विचार करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लॉकडाउन के पीरियड में वकील साल साल भर घर बैठा, सारे वकील संपन्न नहीं है, 200 मेरे यहाँ 252 लोग हैं, 252 लोग में 52 लोग होंगे जिनके लैंड लॉर्ड होंगे, 200 लोग ऐसे नहीं है जो घर में बैठ के खाना खाए, और 500-400 रुपए वकीलों को मौजूदा सरकार ने भी नहीं किया, हमारे काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस माध्यम से किया है वो खुद बताएंगे। अगर 400-500 रुपए आपने सहायता राशि दी तो किसके यहाँ से पूछेंगे आप बताएंगे, महंगाई चरम सीमा की है। दूसरी चीज जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये नारा दे के आए थे कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस होगा, आप खुद जाती है क्षेत्र, आज क्षेत्रों में क्या हाल है, कोई किसी की सुनने को तैयार है? तो ऐसी सरकार को जनता से आह्वान करेंगे कि वो समय आने पर इसका मुंह तोड़ जवाब। और तीसरी बात, छात्र, नौजवान, किसान, सबसे बड़ी चीज है आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर जो कोई सरकार के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही है, अगर समस्याएं उठाए वो देशद्रोही है, ये कैसा लोकतंत्र है? और आज जरूरत है इस देश को, और खास करके मैं उत्तर प्रदेश की जनता से आह्वान करूंगा कि प्रियंका जी के, जहाँ तक के मुझे जानकारी है और मैंने पेपरों में पढ़ा अपने बड़े नेताओं की बातों को, कि प्रियंका जी ही इस प्रदेश का कल्याण कर सकती, और प्रियंका नहीं एक आंधी है, आज की इंदिरा गांधी है,
और इस देश और प्रदेश को अगर कोई सही मानों में लेके चल सकता है तो सिर्फ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा इस देश की नब्ज को कोई नहीं जानता। और ये जनता जातवाद, धर्मवाद, ये पार्टियां क्या, अंग्रेज चले गए, धर्म के नाम पे हर चीज को समृद्ध पात्र से लोग। जैसा कि सरकार ने कहा था, हमने युवा पीढ़ी जो है उसको हम नौकरी देंगे, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पे ये कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से सरकार फेल है, सिर्फ ये भाषण देना चाहती है जुमलेबाज सरकार जी। ये मंचों पे जाते हैं, कहते हैं मैं काला धन वापस लाऊंगा। एक अहम मुद्दा आपसे कहते हैं, इस 7 साल की सरकार में, मोदी की सरकार में जी, स्विस बैंक से काला धन आया नहीं, बल्कि 26 गुना धन इस देश से इस चौकीदार की चौकीदारी में वापस स्विस बैंक में चला गया। मोदी जी बताएंगे कि किन किन लोगों का यह पैसा इतना बढ़ के गया है स्विस बैंक में। तो कुल कहने का मेरा यही निवेदन है देश से, कि जनता से, नौजवानों से, कि जुमलेबाजी, धर्मवाद, जातवादी सरकार से नजात पाने का एक ही तरीका है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका। ये कौन सी जगह है?